हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मनु सिंह, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुरेश कुमार साहब। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मनु सिंह और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुरेश कुमार सिंह। आज हम विवर्स का भी एक क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन है और युवाओं को जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के युवा बहुत जल्दी भटक जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन लेना बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत लोगों का मैसेज आया हुआ है, पर इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली सर के सामने रखा, तो इसके बारे में सर बताएंगे। जिन्होंने पूछा था उनका नाम हम रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हें सही ना लगे और किसी के बारे में कुछ बताना भी सही नहीं है। पर हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कि उन्होंने ये पूछा था कि अगर वो किसी नाबालिग लड़की से शादी करना चाहते हैं या उसको लेके भागना चाहते हैं या उसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, जबकि लड़की भी राजी है उनके साथ जाने के लिए या उनके साथ शादी करने के लिए राजी है लड़की की सहमति के साथ में, लेकिन वो लड़की नाबालिग है। इसके बारे में सर से जानेंगे कि इस केस में क्या हो सकता है और क्या वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है और क्या बेस्ट सिचुएशन हो सकती है, इन दोनों चीज़ों के बारे में सर से हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, उससे आपको मैसेज के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा जो भी नए वीडियो आया करेंगे। इस तरीके की जानकारी सभी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है और इससे लॉ के स्टूडेंट्स और लॉयर्स तक को भी बेनिफिट मिल रहा है, तो जनरल लोगों को भी ये नॉलेज हो जाएगी तो सही रहेगा। चलते हैं सर के पास और जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सर, बहुत सामयिक क्वेश्चन आपने पूछा है जी। और नाबालिग चाहे लड़का हो या लड़की हो जी, ठीक है, वो तो ठीक है, जो जिसने क्वेश्चन पूछा है वो लड़का बालिग है, लेकिन अगर वो जिससे मैरिज करना चाहता है वो लड़की नाबालिग है जी, तो कानून में इसके लिए कोई छूट नहीं है, चाहे लड़का नाबालिग हो या लड़की नाबालिग हो। पहले तो उन्हें इंतज़ार करना चाहिए जब तक लड़की बालिग ना हो जाए, ठीक है। अगर कोई ये अगर माँ बाप भी चाहें तो अपने नाबालिग लड़की की शादी नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं तो वो अवैध है। इस सिचुएशन में विधिक मान्यता प्राप्त की है, मान लीजिए वो लड़की एग्री है उस लड़के के साथ जाने जी, तो इसमें क्या वर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगी? इसमें भी उनको गार्जियन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे। और तो लड़की अगर ये बयान दे दे मजिस्ट्रेट के सामने कि हम खुद भाग गए थे। देखो, मैं एक चीज बता दूं कि लड़कियां जब अरेस्ट हो जाती हैं, पकड़ी जाती हैं ऐसी भागी हुई या ऐसी जो जैसा आप बता रहे हो कि ऐसी शादी करती हुई जिनको विधिक मान्यता नहीं है जी, तो पुलिस मनमाना उसमें मुकदमा दर्ज करती है और लड़कियां गार्जियन के साथ पहुंचते ही अपना बयान बदल देती हैं। इसलिए मैं उन बच्चों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह से किस प्रवृत्ति में लिप्त हैं वो पहले अपना करियर बनाएं, उसके बाद शादी के बारे में सोचें, और अगर लड़की बालिग हो जाती है उस समय तक का तो इंतज़ार करना ही होगा उनको, और अगर नहीं करते तो अपना करियर तो ख़राब ही करेंगे, उस लड़की का भी करियर ख़राब होगा और वो पूरा दो परिवार। नहीं, मान लीजिए हम बेस्ट सिचुएशन लेते हैं, हम ये सिचुएशन लेते हैं कि लड़का एग्री है, लड़की भी जो गई है वो भी जब मिलती है, जब बरामदगी होती है तो वो कह देती है कि मैं एग्री थी, तो इस सिचुएशन में क्या तो भी उसकी मैरिज बाद सही नहीं है, वो विधिक मान्य नहीं है, वो अमान्य है, और ऐसी संभावना हो सकती है कि लड़की दो साल बाद डिनाई कर जाए जब तक वो बालिग हो है नहीं जी। तो उसमें प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट हो सकती है, इसलिए उससे हर हाल में बचना है। मैं तो यही राय दूंगा अभी आप कि अगर आप कोई नाबालिग लड़की से कोई लड़का अगर विवाह करना चाहता है तो उसको ऐसे गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। आप अभी मुझे ये भी बता रहे थे कि इस सिचुएशन में मतलब उस लड़के के खिलाफ 100% जो है कि उसके माँ बाप कहेंगे कि आप जबरदस्ती बहला फुसला के ले गए, क्योंकि वो जी, जी। तो रोज ऐसे केस जाते हैं, बहुत सारे केस ऐसे फर्जी बनते हैं है नहीं, जो कंसेंट से पहले अगर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो 80% ऐसे केसेस फाल्स होते हैं। लड़कियां जैसे अब जैसे ये महाशय पूछे हैं कि साहब हम तो वो लड़की नाबालिग है और हम उससे शादी करना चाहते हैं, आप कोई रास्ता बताइए, तो विधिक रास्ता तो कुछ हो नहीं सकता, अगर नादानी किया किसी बच्चे ने है ना तो भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और कानून उम्र तो देखता नहीं, जो बालिग है उसको सजा मिलना है, अगर आपको जानते हैं तो आपने जानबूझकर किया तो, मतलब
विधिक भूल की कोई छूट हमारे कानून में नहीं है, परिस्थित बस कोई दुर्घटना हुई हो, मैं जनरल एक्सेप्शंस का आजकल वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखिए, परिस्थित भक्त कोई गलती हो जाए तो कानून आपके साथ सद्भावना रखता है। लेकिन अगर आप कानून की भूल करते हैं, विधिक कोई भूल करते हैं, तो वो किसी तरह से क्षम्य नहीं है। तो मतलब इन शॉर्ट इसका सार यही निकलता है कि आप ना करें जी, किसी भी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में ऐसा कम्प्रोमाइज, ऐसा विवाह किसी लड़की से ना करें। ऐसा होने पे आपको ही नुकसान होगा, 110% है आपका नुकसान होना निश्चित है, और उसमें आपको बहुत भारी क्षति उठानी पड़ सकती है जी। तो इसलिए अपना लाइफ बेकार न करें, सद्बुद्धि से काम करें। इसमें आसानी से आपको कोई फंसा सकता है, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, आपकी लाइफ गई, आपने जिस लड़की के परिवार की बदनामी हुई, और फिर उसमें बहुत सारे झमेले हैं जो लोग झेलते हैं जी, है ना, मतलब लॉस ही है उसमें। पहले अपने को सक्षम बनाइए, समर्थ बनाइए, बालिग बनिए, फिर डंके की ओर पर शादी कीजिए जी। मतलब किसी भी केस में ऐसा नहीं हो सकता, आपका ही नुकसान होगा, तो इन चीज़ों से दूरी रहिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, सर का भी यही सजेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे इंडियन लॉ, थैंक यू सो मच।